हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और इजी डेजर्ट। खाने के बाद कभी भी मीठा खाने का मन करे तो ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। बच्चे और बड़े सभी को पसंद आता है ये, और इसको कभी भी हम खा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट, ये मखाने हैं, अखरोट, बादाम और पिस्ता, और ये है किशमिश, और आप ले सकते हैं इसमें गोंद, मर्जी हो तो ले सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इसमें ले लेंगे हम नारियल पाउडर, ये नारियल वाला बुरादा है, कस करके भी ले सकते हैं नारियल को आप। अब हम कढ़ाई में लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून घी है, ये घी को गर्म कर लेंगे। इसमें ये बादाम, अखरोट, काजू और ये सारी चीज़ें हम डालना है, इसमें पिस्ते, इनको हम इसमें डाल देंगे। और धीमी आँच पर ही इनको रखना है, धीमी आँच पर ही हम इनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे हल्के हल्के, क्योंकि तेज़ आंच कर देंगे तो ये जल जाएंगे और ये एकदम कुरकुरे नहीं होंगे, क्योंकि करारे बनाने के लिए इनको धीमी आंच पर ही हमको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना होगा। अच्छी खुशबू आ जाएगी और आप इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारे हमने ड्राई फ्रूट इस तरह से निकाल लिए हैं। घी काफ़ी सारा है इसमें, तो हम इस तरह से इनको निचोड़ लेंगे निकाल करके। उसी ही कढ़ाई में अब हम और भी सारे ड्राई फ्रूट हम भूनेंगे। ये मैंने किशमिश डाल दी है, किशमिश देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। इसको हम पीसेंगे नहीं, तो इसको अलग रखेंगे हम। इसको भी देखिए हमने अच्छे से निकाल लिया निचोड़ के। अब हमने इसमें मखाने डाल दिए हैं, मखाने भी फटाफट से करारे हो जाते हैं, वो भी हमने निकाल लिए। अब हमने इसमें गोंद डाल दी है, गोंद को भी हम देखिए इसमें भून लेंगे। गोंद बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है हमारे जोड़ों दर्द के लिए, कमर के लिए, तो इसको आप कभी भी आप ले सकते हैं। इसको निकाल लिया है। अब हमने इसमें कोकोनट पाउडर डाल दिया है, इसको भी देखिए हम इसमें हल्का सा भून लेंगे और उसको भी हम निकाल लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट देखिए मैंने थाली में निकाल लिए हैं, इनको थोड़ा ठंडा हो जाए जब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने उसी कढ़ाई में ही 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसी में ही 2 कटोरी चीनी ले लेंगे। ये देखिए चीनी मैंने 2 कटोरी डाल दी है, इसको घुलने देंगे। अब हम इसमें 1 इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा, चुटकी भर। ये देखिए सारे हमारे ड्राई फ्रूट अब ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसमें खल्लड़ में कूट लेंगे। मिक्सी में पाउडर बन जाता है, तो इसलिए हम मिक्सी में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, हल्का दरदरा ही कूटें। ये देखिए दरदरा रहेगा तो थोड़ा मुँह में आएगा तो अच्छा लगता है। और ये देखिए खूबसूरत सा मेरा खल्लड़, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। ये देखिए मेरा यूज़ हो रहा है ये। इसी से हम देखिए इसको भी हम गोंद को भी इसमें कूट लेंगे, क्योंकि गोंद बहुत जल्दी ही पिस जाती है। इसको चम्मच से भी कूट सकते हैं, बेलन से भी कूट सकते हैं। अब हम इधर अपना शुगर सिरप देख लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा इसमें बबल आ रहा है और बहुत अच्छे से इसको भी खोल आ जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कितने तार की चाशनी है। ये देखिए 1 तार बनने लगा है, बस हमें इतना ही चाहिए। इसमें हम फटाफट से अपना ये ड्राई फ्रूट वाला ये डाल देते हैं मसाला, पूरा का पूरा इसमें। और आपको शुगर सिरप अगर कम लग रहा हो तो आप 2 बार में बना लीजिएगा चाशनी। ये मेरी वही वाली थालियां हैं जिसमें मेरा घी लगा हुआ था, ड्राई फ्रूट मैंने निकाले थे तो इसमें घी काफ़ी सारा था, तो मैंने इसी में निकाल लिया। इसको हम ठंडा होने देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा देर रखे रहने दें, काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाएगा। अब हम इसको देखिए कट कर लेंगे, थोड़े गर्म गर्म पे ही कट कर लें, इसके पीसेस पे ना जाइए, टेढ़े मेढ़े ही रहेंगे, क्योंकि थोड़े दरदरे हमारे ड्राई फ्रूट हैं। इसलिए मिक्सी में अगर पिसे हुए होते तो ये हमारे अच्छे से स्क्वायर शेप में कट जाते। सो गाइज़ कोई बात नहीं, टेस्ट वही रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज़ ऐसे ही मैं खट्टी मीठी टेस्टी चटपटी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़ बनाइएगा ज़रूर, खिलाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।